اللہ کے بندوں کا آؤ دیکھ تاریخ سفر آؤ دیکھ تاریخ سفر اللہ کے بندوں کا وہ عظیم گزشتہ وقت چلتے شک و شبہ شکایت نہ کرتے اللہ کے بندوں کا آؤ دیکھ تاریخ سفر अब्बाजान, क्यों ना हम यहां कुछ देर रुककर आराम कर लें? ठीक है। यहां पानी की गूंज सुनाई दे रही है, यह जगह काफी मुनासिब है। वाकई जगह तो काफी मुनासिब लगती है। आओ। अब्बाजान, हमें अपनी जिंदगी की दास्तान सुनाएं। मगर तुम तो इससे वाकिफ हो, तुमने मेरे साथ ही जिंदगी गुजारी है। लेकिन कुछ वाकयात ऐसे भी हैं जिनमें हम आपके साथ नहीं थे। ठीक है, मैं शुरू से सुनाता हूँ। आपकी कहानी हमें हमेशा अच्छी लगती है अब्बाजान। आपकी दास्तानें तो हर दौर में सुनाई जाएंगी। कहा जाएगा कि मूसा ने अल्लाह ताला से रूबरू गुफ्तगू की थी। वो बड़ा कश्मकश का दौर था जब फिराउन ने इब्रानी नस्ल की हर औलादे नरीना के कत्ल का हुक्म जारी किया। वो लड़के जिनकी उम्र 2 साल या उससे कम थी। Ah!
जानती हूँ कि इससे आपका दिल बहुत फट रहा है। ओ मरियम, मैं तुम्हें क्या बताऊँ? चलो जल्दी करो, जल्दी करो। खूंखार जानवर की चीखने की आवाज है। नहीं, ये किसी नन्हे बच्चे की चीख है। जाओ जरा देखो तो। शहजादी साहिबा, ये एक इब्रानी बच्चा मालूम होता है, देखिए तो। मेरे वालिद ने कई इब्रानी बच्चों का कत्ल किया है और उनकी शहजोरी हदें पार कर चुकी है। देखिए तो कितना खूबसूरत है ये। मैं तुम्हें नाम दूंगी और मैं तुम्हें नाम देती हूँ मूसा। मूसा जो पानी से उभरा था, हम इसे मूसा पुकारेंगे। शहजादी थर्मोतिस इसलिए कि हमने इसे दरिया से निकाला है। हाँ, जिसे दरिया से निकाला। आप इसे अपने साथ नहीं रख सकती। मैं इसे अपने पास रखूंगी, ये मेरा मूसा है, एक मौजजाती बच्चा जिसे पानी से बाहर निकाला गया। अरे प्यारी बच्ची, यहाँ आओ। बच्चे के बारे में क्या जानती हो? आ जाओ बच्ची, आ जाओ, डरो मत। कहो तुम्हें क्या कहना है? क्या आपको इस बच्चे के लिए खादमा की जरूरत है? हाँ जरूर, बुलाओ उसे। शहजादी साहिबा, आप इस बच्चे को आलीजा फिराउन आजम की नजरों से नहीं बचा पाएंगी। मैं इसे छुपाऊंगी नहीं, ये मेरा बेटा है मूसा। इस मौजजाती बच्चे को नील जैसे हयात बख्श दरिया ने मुझे दिया है। बुक पकड़े शहजादी साहिबा। इस बच्चे की परवरिश का मैं तुम्हें मुआवजा दूंगी। जी जी शहजादी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि इसका ख्याल रखूंगी। आप भी बचपन में बहुत खूबसूरत रहे होंगे ताकि थर्मोतिस आपसे प्यार कर सके। हो सकता है, वैसे 5 साल तक तो मुझे मेरी माँ ने ही पाला। मैं फिरौन के महल में मिस्र के शहजादे की तरह पला बढ़ा, लेकिन गोशिम में मेरे दूसरे भाइयों का काम मुझे सिर्फ सदमा और जहनी अजियत देना था। अम्मा, कौम के बेटों की मुसीबतों को देखकर मेरा दिल कुड़ता है। मूसा, तुम गोशिम आने का कभी इरादा ना करना, तुम्हारी जगह तो महल में है मेरे बेटे। शहजादा होने के नाते ही मेरी तरबियत का हिस्सा है कि मैं मुल्क के तमाम इलाकों का दौरा करूं, सीखूं कि हुकूमत के इंतजामी उमूर कैसे संभालते हैं। मुझे जिम्मेदार बनाया गया है चिकनी मिट्टी वाले गढ़ों के इलाकों का। गोशिन के बाशिंदे तुंदही और मेहनत से तुम्हारे लिए काम करेंगे। मैं भी उनके लिए दयानतदार साबित होऊंगा। अम्मा जान, आप मेरी तरफ से ये तोहफा कबूल फरमाएं। शुक्रिया मेरे बच्चे। तुम्हारे साथ ये कीमती लम्हात गुजारते हुए मुझे जुर्म का एहसास होने लगता है। अम्मा, आप इसका बिल्कुल ख्याल ना करें। हो सकता है अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कोई अहम काम सोच रखा हो। अल्लाह ने मुझे एक ऐसा बेटा अता किया है जो मिस्र के
फरमानरवा खानदान के घर का शहजादा है। चलो चलो जल्दी करो, किस किस्म के गुलाम हो तुम लोग, कुत्तों से भी बदतर। चलो चलो जल्दी करो, आज चलो अपने। चलो लो, हमारा शहजादा आ गया। क्या तुम अपनी काम वाली वर्दी नहीं पहनते? उन्हें दिन भर के लिए दिए गए कामों पर पूरा उतारना है। जी बेहतर है। आओ काम पर लग जाए। कुछ सुना तुमने? सब ये कहते हैं कि फिराउन मेरे भाई को गोशिन का जिम्मेदार बनाने वाला है। आखिर क्यों नहीं, वो इसके लिए पूरी तरह काबिल है। मेरा ख्याल है कि अब सब कुछ बदल जाएगा। मुझे भी इस बात पर पूरा यकीन है। मेरे भाई ने तमाम मुहाफिजों के लिए काफी मुसीबत खड़ी कर दी है। उन्हें अपने कोड़े फेंक कर खुद काम पर लग जाना होगा। उन्हें भी वैसा ही करना होगा जैसा कि मेरा भाई मूसा करता है। ये अपने आप में एक इंसाफ है। वक्त आ गया है कि गोशिन के आवाम की तकलीफों को महसूस किया जाए और उनसे तबादले खिदमत की जाए। मुझे तो अपने बेटे पर बहुत फख्र है। मेरा मानना है वो शायद हमारे सभी लोगों के लिए उम्मीद का वायस हो। हाँ, पर तुम ये बात बिल्कुल मत भूलना कि वो दुश्मन भी इकट्ठा कर रहा है। मूसा, एक अदना सी चीज, सिर्फ एक छोटा सा बच्चा जो दरिया में तैरती किसी टोकरी में पड़ा था, और अब देखो कि वो क्या बन गया है। अल्लाह पाक उसे महफूज रखे। अब्बा जान, पता है आपको, वो तो इब्रानी भी ठीक तरह से बोल नहीं पाता। वो तो आपकी सोच से भी ज्यादा मिस्री है, और फिराउन का गोद लिया बेटा भी। इसके बावजूद वो इब्रानी भी है और हमारा बेटा भी। क्या ये मर गया? हाँ ये मर गया। उन्होंने जरूरत से ज्यादा ईंटें इस पर लाद दी थी। कहाँ है वो? वो रफाए हाजत के लिए गया है। ठीक है, अपने काम पर लग जाओ। मेरे किसी आदमी को कोड़े से मारने की कोशिश न करना, समझे तुम? मूसा, तुम मेरे लिए बहुत सी मुसीबतें खड़ी कर चुके हो। ये मत समझो कि तुम इन गुलामों से ऊंचे हो। मैं तुम्हें इस डंडे से मारूंगा। तो मर गया, ये तो बहुत मुश्किल हो गई। किसी आदमी को कत्ल करके कैसा महसूस हुआ? आपने इस बारे में हमें बताया ही नहीं। जब मुझे अपनी नाकाबिले तलाफी गलती का एहसास हुआ, मैं शदीद ज़हनी अज़ियत में रोता रहा और मेरी रूह इस एहसास से गुनाह में मुब्तला रही। क्या आपको अपने किए पर अब भी शर्मिंदगी होती है? एक मिस्री के पीटने से एक बूढ़ा मर गया। काश कत्ल करने के सिवा कोई और रास्ता होता। हो सकता है कि वो वाकया हमारी बेहतरी के लिए हुआ हो। कत्ल में कोई बेहतरी नहीं होती बेटे। फिर उसके बाद फिराउन ने क्या किया? उसने चारों तरफ अपने सिपाही दौड़ा दिए। उसे मेरा सर चाहिए था।
यहाँ क्यों आए हो? इस तरह वो लोग हम तक पहुँच जाएंगे। बस कर मरियम। मूसा, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। तुम्हें जाना होगा मूसा। तुम्हारे साथ हम सब यहाँ खतरे में हैं। पूरा महल दीवाना वार उस कातिल की तलाश में है जिसने उस मिस्री का कत्ल किया। फिराउन तुम्हारा सर चाहता है। आज मुझसे गुनाह हो गया है, मैंने एक इंसान को मार डाला। मूसा, तुम्हें फौरन मिस्र छोड़कर चले जाना चाहिए और तुम मेरे बेटे के जाने का इंतजाम करो। तुम्हें अब जाना चाहिए मेरे बेटे। मुझे अफसोस है कि मैंने आप सबको खतरे में डाल दिया। हाँ मूसा, तुमने हमें सख्त खतरनाक हालात में ला खड़ा किया है। मैं बेहद माफी चाहता हूँ। वो एक बूढ़े मजदूर की पिटाई कर रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम इससे क्या चाहती हो मरियम? इसकी सख्त मिजाजी ने ही इसे ऐसे हालात में ढकेला है। तो क्या? मेरे करीब आओ। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के अल्लाह का साया तुम पर कायम रहे। चलो हटो, पहले हमें पानी भरने दो। आओ सफूरा, हम इनको बाद में पानी देंगे। क्यों तुम हमेशा अपनी टांग अड़ाते रहते हो? चले जाओ यहाँ से। सफूरा, तुम मुझसे हाँ कब कहोगे? हाँ कभी नहीं कहूंगी। तुम कभी मुझसे ये नहीं सुन सकते इश। सफूरा, इस दुनिया में मैं ही वो वाहिद शख्स हूँ जो तुम्हें पाल सकता है। तुम इसे पालना कहते हो? यहाँ से चले जाओ। छोड़ दो उसे, उसका रास्ता छोड़ दो। मैं नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं सिर्फ खेल रहा था। वो जानती है कि मैं सिर्फ उसके साथ खेल रहा था। दफा हो जाओ। उसे देखा तुमने? वो किस तरह इसकी तरफ घूर रहा था। वो मजबूत व तवाना जिस्म का मालिक था, ताकतवर। सफूरा, तुम तो पिघल कर ही रह गई। उसने कोई मेहरबानी नहीं की, वो तुम्हारी तरफ से नजर हटा ही नहीं सका। क्या बात है, आज तो इतनी देर से क्यों आई है? रेगिस्तान से एक निहायत हैरत अंगेज मिस्र निकल आया। उसने सिर्फ एक लफ्ज कहा, उसने हुक्म दिया कि हमें अकेला छोड़ दे, इसके सिवा और कुछ नहीं। वो भी मजबूत व तवाना था जो रेगिस्तान से उभर कर आया, हमें मालूम नहीं कहाँ से। उन्होंने सोचा कि वो कोई भूत या और कुछ है। कहाँ है वो मिस्री शख्स? मजबूत व तवाना, मेरी प्यारी बेटियों को बचाने वाला, क्यों ना वो सात दस्तरखान पर हमारे मुल्क की बेहतरीन चीजें खाए। मैं इस गैर मुल्की का मखरूज हूँ। मैं जा रही हूँ। जाओ तुम सब लोग।
اسے دعوت دو تاکہ ہم آج رات جشن منا سکیں۔ اللہ کے بندوں کا آؤ دیکھ تاریخ سفر، آؤ دیکھ تاریخ سفر، اللہ کے بندوں کا وہ عظیم گزشتہ وقت۔